વાપી નગરપાલિકાની આગામી 28મી નવેમ્બરના રોજ યોજાઈ રહેલી ચૂંટણીમાં દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય નરેશ યાદવે વોર્ડ નંબર 3ના ગીતાનગરમાં ચૂંટણી સભાને સંબોધી હતી. દિલ્હીના ધારાસભ્ય નરેશ યાદવે દિલ્હીમાં કેજરીવાલના નેતૃત્વ હેઠળની આમ આદમી પાર્ટીની સરકારે કરેલા વિકાસના કાર્યોની માહિતી આપીને મતદારોને નગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારોને મત આપી જીતાડવા માટેની અપીલ કરી હતી. कि मुश्किल से एक आध सीट आ सकती है, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए जब कैंपेनिंग के लिए लोग जाते थे तो लोग विश्वास नहीं करते थे, दरवाजा पटक देते थे, बंद करते थे. हमने वो समय देखा था. और दिल्ली मिनी इंडिया है. आप सब जानते हैं कि पूरे देश के लोग दिल्ली में रहते हैं. बहुत सारे हमारे पूर्वांचल भाई वहां रहते हैं, पूरे देश से वहां पर लोग रहते हैं. तो दिल्ली एक तरह से पूरे देश का दिल है, जो पूरे देश का मिजाज दिल्ली से देखा जा सकता है. तो दिल्ली के लोगों ने तो उस पर विश्वास किया और 2013 में 28 सीटें देकर आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा था. लेकिन 28 सीटों से सरकार नहीं. देखिए, आज मैं वापी के नगर पालिका चुनाव में आया हूं और हमारे यहां से वार्ड नंबर 7 से 4 प्रत्याशी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं. मैं दिल्ली से इसलिए आया हूं क्योंकि आज पूरे देश में दिल्ली के मॉडल की चर्चा है, दिल्ली के काम की चर्चा है. जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जैसे वापी में चुनाव नगर पालिका का लड़ रही है, वहाँ पर हर जगह पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के किए हुए काम की चर्चा है. और मैं दिल्ली में बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से वो उस काम में माननीय केजरीवाल साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ. मैंने लोगों से दिल्ली के काम की चर्चा की, जैसे शिक्षा व्यवस्था. दिल्ली के जो स्कूल थे जब आम आदमी पार्टी सरकार आई थी तो बहुत ही जर्जर हालत में थे. आज शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में क्रांति हो गई है. सभी स्कूल वहाँ के एकदम पब्लिक स्कूलों से अच्छे बन चुके हैं. वहाँ के रिजल्ट्स वहाँ से अच्छे हैं, पब्लिक स्कूलों से अच्छे हैं. स्वास्थ्य सेवाएँ वर्ल्ड क्लास सेवाएं हैं, जैसे मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, अस्पताल, 3 टायर हेल्थ सर्विसेज हैं. छोटे अलग अलग मोहल्ला में मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को दूर ना जाना पड़े. छोटी छोटी बीमारियों के लिए मोहल्ला क्लिनिक में वो लोग इलाज करें. उसे अगर ज़्यादा कुछ स्पेशलिस्ट को दिखाना है तो पॉली क्लिनिक, अदरवाइज़ उससे ऊपर हॉस्पिटल्स में वो इलाज करा सके. हॉस्पिटल्स में सभी दवाइयों के बारे में मैंने लोगों से चर्चा की कि सभी दवाइयाँ फ्री, सारे टेस्ट फ्री होते हैं वहाँ पर. महिलाओं के लिए दिल्ली में सफ़र फ्री है. तीर्थ यात्रा की एक योजना जो दिल्ली के किसी भी लोग पूरे देश के में तीर्थ यात्रा पर जाने वाले बुज़ुर्ग लोगों को, जो अपने घरों में लोग जो तीर्थयात्री वहां पर जाते थे, जो बुज़ुर्ग लोग कहीं जा नहीं पाते थे, गरीब लोग थे जिनके पास साधन नहीं थे, उनके लिए माननीय केजरीवाल साहब ने वो तीर्थ यात्रा व्यवस्था की. तो देखिए, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है. जब आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से बन के एक पार्टी बनी और 2013 में चुनाव लड़े थे तो केवल 28 सीटें आई थी और किसी ने सोचा नहीं था कि 28 सीटें आ जाएगी. एक दो सीटें मुश्किल से लोग कहते थे. तो वहाँ से शुरुआत हुई. और जब भी हम वहाँ सभाओं में जाते थे 10-10, 15-15 लोग आते थे. उसके बाद देखिए कितना बड़ा इतिहास रचा गया. 28 सीटें आई, फिर उसके बाद दोबारा से चुनाव हुआ तो 67 सीटें इतिहास रचा गया. उसके बाद फिर दोबारा जब 5 साल के बाद चुनाव हुआ तो 62 सीटें. तो ये शुरुआत होती है. नगर पालिका में सूरत में इतिहास रचा है गुजरात के लोगों ने. आज गुजरात के लोग भी दिल्ली की तरफ देख रहे हैं, दिल्ली के काम की तरफ देख रहे हैं, माननीय केजरीवाल साहब की तरफ देख रहे हैं. तो वापी में